सी डेली प्रिपरेशन में वेयर डज दिस पैकेज फिट विल डिपेंड ऑन द स्टेज ऑफ द एस्पिरेंट. अगर बिगनर हैं तो दे नीड टू डेवलप अ नॉलेज बेस. ठीक है, क्वेश्चंस अटेम्प्टिंग वो बाद में भी कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग बाद में कर सकते हैं, पहले दे हैव टू डू अ रन थ्रू द सिलेबस. और रन थ्रू द सिलेबस में कई बार जब बिगनर एस्पिरेंट होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी कई बार एक ही टॉपिक के मल्टीपल सोर्सेज करने लग जाते हैं और उसका आउटपुट नहीं निकलता क्योंकि उसको ऑब्वियसली वो रिवाइज नहीं कर पाएंगे. तो रन थ्रू द सिलेबस में द आइडिया इज दैट पहले इस किताब को उठाइए, उसके साथ बैठिए, फाउंडेशन समझिए, बैकग्राउंड समझिए, बेस डेवलप कीजिए. तो अगर बिगनर हो तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ योर डे हैज़ टू गो विद दीज बुकलेट्स. दैट इज हाउ आई वुड हैव डिजाइड माय स्ट्रैटेजी. ठीक है, एक बार फाउंडेशन बन गया उस टाइम पे आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा थोड़ा न्यूज़पेपर पे फोकस करते जाएं. अब न्यूज़पेपर पे फोकस करने का सही तरीका एक तो ये है कि पहले आपको न्यूज़पेपर का आइडिया हो जाए कि कैसे उसमें रेलेवेंट आर्टिकल्स ढूंढे जाते हैं. सो यू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट एज फार एज रीडिंग द न्यूज़पेपर इज कंसर्न. तो उसमें तब आप थोड़ा कम टाइम लगाएंगे न्यूज़पेपर पे, अपना फाउंडेशन बनाने पे ज़्यादा टाइम लगाएंगे. फिर व्हेन यू बिकम अ सीनियर कैंडिडेट की प्रीलिम्स की तैयारी कर ली है या फिर एक बार प्रीलिम्स निकाल भी चुके हैं तब यू डोंट नीड टू फोकस एज मच ऑन द फाउंडेशन. यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन व्हाट इज न्यू एंड अंडरस्टैंड द एनालिसिस ऑफ इट. ठीक है, एंड लिंक इट विद द बैकग्राउंड. तब यू नीड टू स्पेंड लेस टाइम विद दीज बुक्स. बाय दैट टाइम आप ये बुक पढ़ ही चुके होंगे, मेन चीज़ें जो आपको हाईलाइट करना है वो कर चुके होंगे, मल्टीपल रीडिंग्स कर चुके होंगे. तो लेस टाइम विद दीज बुक्स, मोर टाइम विद द करेंट अफेयर्स. अब कुछ टाइम आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हुए भी हो गया है, उसके बाद क्या होगा, न्यूज़पेपर के आप कंपाइलेशन पर शिफ्ट कर सकते हो बिकॉज बैकग्राउंड हर चीज़ का डेवलप हो गया है. कंपाइलेशन पर शिफ्ट करोगे तो जो मेरे को अब कमी अपने टाइम में फेस करनी पड़ी कि कोई भी कंपाइलेशन पूरा न्यूज़ आर्टिकल कभी कवर नहीं करता है, पूरा न्यूज़पेपर कभी कोई कंपाइलेशन कवर नहीं करता है, वो हम लोगों ने डेवलप किया. तो यू कैन शिफ्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर टू द कंपाइलेशन. वहाँ से वैल्यू एडिटेड मटेरियल आपको मिलता ही जा रहा है, इन बुकलेट से वैल्यू एडिटेड मटेरियल आपको मिल गया. तो अब बिगनर ने आप अपना फाउंडेशन बना लिया. अब जब व्हेन यू आर सोली प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स या मेंस, टारगेटेड प्रिपरेशन करना होता है, तो फाउंडेशन के बाद आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करी, करंट अफेयर्स कवर करना शुरू करा, करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रोज सॉल्व करना, तो दैट कैन बी फाउंड ऑन दी ऐप. फिर व्हेन यू वांट टू फिनिश अ टॉपिक, पहले आप बिगनर थे, आप बेस बना रहे थे, बट नाउ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पर्टिकुलर फेज ऑफ द एग्जाम यू वांट टू फिनिश अ टॉपिक. तो कैसे उसको फिनिश करोगे, आप पहले स्टैटिक पढ़ोगे उसका, उसके बाद डायनामिक पढ़ोगे, उसके बाद उस पर सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे. सब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली जो क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको कंपाइलेशन में, उसके साथ टेस्ट बुकलेट भी मिलती है जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस होते हैं, एंड दे कैन बी फाउंड ऑन दी ऐप एज वेल. तो लेस टाइम विद दीज बुक्स, मोर टाइम विद द कंपाइलेशन, मोर टाइम इन अटेम्प्टिंग दी क्वेश्चंस. सो फ्रॉम अ बिगनर टू एन एडवांस कैंडिडेट देर विल बी अ फेज शिफ्ट. पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम इन बुक्स के साथ निकलेगा, पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम फाउंडेशन बनाते हुए निकलेगा. एक बार फाउंडेशन बन गया तो करंट अफेयर्स की ऐप, प्रैक्टिस ऐप एज वेल एज कंपाइलेशन ऑफ द न्यूज़पेपर, एंड इफ पॉसिबल बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनल स्ट्रैटेजी आंसर राइटिंग करते हुए वैसे टाइम निकलेगा. Then you can also graduate to the optional, depending on what your optional is, what your strategy regarding that is. फिर interview phase में आ गए तो देखिए कई बार लोग confused रहते हैं कि GS कितना revise करें interview के लिए, और DAF में सबसे ज़्यादा time लगाना होता है interview में, but GS भी revise करना is advisable. Once again, मेरी personal strategy होती थी कि GS में ज़्यादा revise नहीं करता था, DAF में सबसे ज़्यादा time लगाता था, but मेरा जो value addition material था, जो data वगैरह committees वगैरह के नाम थे, वो मैं रिवाइज करके जाता था और वो लिबरली यूज़ करता था, स्पेशली डेटा एंड पॉलिसीज़ ये काफ़ी यूज़ करता था. वो वंस अगेन कैन बी फाउंड इन दिस वेरी मटेरियल. तो इन नटशेल, बिगनर के लिए सबसे ज़्यादा टाइम इन बुक्स पे, एडवांस्ड कैंडिडेट के लिए करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, आंसर राइटिंग, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग, दिस कैन बी फाउंड ऑन करंट अफेयर्स ऐप एज वेल एज द प्रैक्टिस ऐप. और इंटरव्यू वाले कैंडिडेट के लिए जो फाइनल स्टेज में, सिर्फ इसका वैल्यू एडेड मटेरियल. That is how the distribution of time should be from beginner to an advanced to a final stage candidate.